सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग में, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग की वैकेंसी है जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन इस प्रकार अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन दे रहा है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट www.mha.gov.in, इस साइट पे जाकर आपको इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसकी साइट थोड़ी बिजी होने के कारण इसमें ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा। जो इसकी साइट ओपन हो रही है दोस्तों, धीरे धीरे इसकी साइट ओपन होने के पश्चात आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। इस प्रकार का जो पेज दिखाई देगा उसमें आपसे ये बेसिक सामान्य जानकारी मांगेगा, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार रजिस्टर करने के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ आपको एप्लीकेशन नेम, तो एप्लीकेंट का नाम यहाँ भरना है। इसके पश्चात उसका मिडल नेम के साथ ही नीचे आपको उसका लास्ट नेम भरना है। अगर लास्ट नेम नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ भरना है। ईमेल एड्रेस भरने के पश्चात नीचे आप देख सकते हैं जेंडर, मेल या फीमेल आपको भरना है। इसके साथ ही नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर भरने के पश्चात आपको अपनी मैरिड या अनमैरिड भरना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड भरना है, अगर आप मैरिड नहीं है तो अनमैरिड भरना है। दोस्तों, इसके साथ ही पोस्ट अप्लाइंग फॉर, इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसमें नीचे देखिए चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको अपना सेंटर यहाँ पे चूज करना है। इसके पश्चात आपको अपनी लैंग्वेज आपको चूज करनी है इसमें से। इसके साथ ही नीचे कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ कैटेगरी बननी है। इसके पश्चात वेदर है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का निवासी है तो यस या अन्यथा नो भरना है। और इसके साथ विक्टिम ऑफ गुजरात या नो भरना है। अगर विक्टिम ऑफ गुजरात राइट्स 2002 में हैं तो यस, अन्यथा नो भरना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ अन्यथा आपको नो भरना है। दोस्तों, और इसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस या नो। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यस, अन्यथा आपको नो भरना है। दोस्तों, ये भरने के पश्चात नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के पश्चात नीचे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा भरना है। ये भरने के पश्चात जो नीचे रजिस्टर नाउ दिख रहा है, इस रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल साइट खुलने में थोड़ा समय लग रहा है। दोस्तों, तो आप देखिए इसकी ऑफिशियल साइट जो ही खुल जाएगी तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आपका इस प्रकार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए, रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपसे देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड आप देख सकते हैं। इन स्टेज में जो पहली स्टेज है उसमें आपको स्टेप फर्स्ट में आपको क्लिक के यहाँ डिटेल भरनी है, एप्लीकेशन से सामान्य बेसिक सामान्य जानकारी भरनी है। दूसरी स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे आपको तीसरी स्टेप में आपको एप्लीकेशन फीस से संबंधित डिटेल भरनी है। और इसके साथ ही लास्ट अंतिम डिटेल में आपको अपना प्रिंट आउट लेना है और सबमिट बटन क्लिक करना है। तो दोस्तों, हम इसकी पहले स्टेज पे यहाँ क्लिक हेयर दिख रहा है, इस क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इसकी साइट थोड़ी बिजी होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है। तो इस प्रकार पेज दिखाई देने के पश्चात आप देख सकते हैं नीचे आपको क्या क्या भरना है। तो आपको मैं बताऊँगा कि ये सभी भरने के पश्चात नीचे आप देख सकते हैं फादर, मदर या हस्बैंड नेम भरना। आपको जो भी आपका फादर या हस्बैंड नेम है वो भरने के पश्चात आपको इस प्रकार, जैसे मैं भर रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको भी अपना फादर या जो भी नेम भरने के पश्चात नीचे आप देख सकिए रिलेशन, इसने आपको जो आपका रिलेशन में क्या लगता है, तो आप सकते फादर है तो फादर भरना है। इसके साथ ही नीचे आप देख सकते हैं होम स्टेट, तो आपको अपना होम स्टेट भरना है। जैसे होम स्टेट, जो भी आप अपना होम स्टेट भर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार होम स्टेट भरने के पश्चात नीचे देखिए रिलीजन, तो आपको अपना धर्म भरना है। धर्म भरने के पश्चात दोस्तों आपको नेशनलिटी आपको इंडियन भरनी है। इस सभी भरने के पश्चात आपको
या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल मांग रहा है दोस्तों। या आपको टेंथ की डिटेल बननी है तो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट बननी है जो टेंथ में आपके पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बननी है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें हिंदी, नीचे आप भर सकते हैं इंग्लिश से जो आपके पास सब्जेक्ट था, मैथ, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है टेंथ में वो सभी भरने हैं। ये सभी भरने के पश्चात आपको दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं जो दूसरा इसमें दिखाया गया है कि आपको इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी संस्था यानी कौन सी संस्था से आपने 10वीं कक्षा पास की है वो यहाँ पे आपको भरना है। तो आपको अपनी संस्था का नाम लिखना है, जो भी संस्था है दोस्तों, जैसे मैं अपनी संस्था का इसमें जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसमें इसका नाम लिख रहा हूँ, तो आपको भी अपना इसमें फॉर्म भरते समय नाम भरना। और दोस्तों नीचे आपको इसमें बेसिक सामान्य जानकारी, रजिस्ट्रेशन पश्चात या फादर्स मदर्स या हस्बैंड्स नेम भरना है, आपका उससे संबंध भरना है या आपका होम स्टेट यहाँ पे भरना है। इसके साथ ही नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको हिंदू या आपका धर्म बनना है, नेशनलिटी बननी है। और इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अपनी टेंथ की जो बेसिक सामान्य जानकारी, आपने कौन सी सन में पास की, कितने परसेंटेज से पास की, वो सभी चीज़ें बनने के पश्चात यहाँ आपको अपना एड्रेस बनना है, स्टेट का नाम बनना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बनना है, ये सब में बनने के बाद आपको टाउन, सिटी और पिन कोड नंबर बनना है। और इसके साथ ही आपको डिक्लेरेशन या व्यू एंड सेव कर देना है दोस्तों। इस प्रकार व्यू एंड सेव करने के पश्चात आप देख सकते हैं थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों अभी सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ आपको क्लिक हेयर पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, फ़ोटो की हाइट और यहाँ साइज बताया गया है। इसके साथ यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के पश्चात आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी आपको अपलोड करने होंगे दोस्तों। यहाँ अपलोड करने के पश्चात आपकी जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ जो दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सब क्लिक करने के पश्चात आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अब लाइव चल रहा है दोस्तों, ये सभी करने में थोड़ी समस्या आएगी, वैसे भी साइट इसकी बिजी चल रही है। इसके पश्चात जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है थर्ड स्टेप को आपको जाना होगा। तो आप देखिए इसकी थर्ड, और दोस्तों इसकी जो तीसरी स्टेप है आप देख सकते हैं क्लिक हेयर पे एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको अपनी फीस का भुगतान करना होगा, जो यहाँ लिख रहा है क्लिक हेयर टू पे एप्लीकेशन फ़ी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार थोड़ा इसमें ऑफिशियल साइट बिजी होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो ही इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी तो आपको इसमें सबसे पहले आपको इसमें फ़ीस का भुगतान करना है। फीस का भुगतान करने के पश्चात नीचे आप देख सकते हैं इस तीसरी स्टेप कंप्लीट होने के पश्चात आपको जो लास्ट कंप्लीट स्टेप करनी है उसमें आपको फाइनल सबमिशन करने के पहले आपको क्लिक हेयर टू व्यू प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात इसमें संपूर्ण डिटेल भरी जाएंगी। इसके साथ इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों आपको अपना फॉर्म रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको पहली स्टेज आप देख सकते हैं, पहली स्टेप में आपको एप्लीकेशन की डिटेल बननी है, दूसरे स्टेज में फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, तीसरे स्टेज में दोस्तों आपको आप देख सकते हैं तीसरे स्टेज में आपको एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल बननी है। जैसे मैंने अभी इसमें नहीं भरे दोस्तों इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जो पहले स्टेज मैंने आप कम्प्लीट कर दी इसलिए कम्प्लीट दिखा रहा है, दूसरे स्टेज में ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, और दोस्तों तीसरे स्टेज में आप यहाँ फीस का भुगतान किया है इसलिए अभी नहीं किया है इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जो इसका फीस का भुगतान कर दूंगा तो आपको यहाँ इस प्रकार जैसे कंप्लीट दिखाई दे रहा है कंप्लीट दिखाई देगा। इसके पश्चात नीचे लास्ट जो अंतिम कंडीशन और अंतिम स्थिति होगी दोस्तों उसमें आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यू प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ क्लिक एयर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आपको जो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग की आप देख सकते हैं कि आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग की अच्छी वैकेंसी है, इसकी विस्तृत जानकारी आप देखना चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट पे आप जा सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल साइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, उस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ मैंने आपको पहले बताया, यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है और साइन या सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। ये सभी अपलोड करने के पश्चात आपको अंतिम स्टेज में आपको जो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस है उस फीस का आपको भुगतान करना है। फीस का भुगतान करने के पश्चात दोस्तों अंतिम और लास्ट स्टेप में आपको इसमें बेसिक सामान्य जानकारी पढ़ने के पश्चात अंतिम आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करने से पहले आपको इसमें फिर से अच्छी तरह देख लेना है किसी प्रकार की कोई आपने स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये सभी करने के पश्चात आपको इसमें अंतिम सबमिट बटन क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपको अपना फॉर्म, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका फॉर्म भरा जाएगा, इसी प्रकार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियां और उन भर्तियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट ताज़ा जानकारी आई उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाता रहूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको जो भी सरकारी विभाग में भर्तियाँ निकली उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।